लाइव इंडिया के खबर पर अब मोहर लग चुकी है। जिस तरीके से एक हफ्ते से ये खबर दिखाई जा रही थी लाइव इंडिया पर कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, उस पर अब मोहर लग चुकी है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, इस वक्त जदयू दफ्तर में हलचल तेज हो गई है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि फिर से जो है जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री को फिर से कमान दिया गया है। उसको लेकर जो है जदयू दफ्तर में हलचल तेज है और तमाम कार्यकर्ता और नेताओं में काफ़ी उत्साह है। हम बात करने की कोशिश करते हैं तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से किस तरीके से खुशी की लहर है, क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और इस तरीके से जो खुशी है वो कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? बहुत खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जदयू की जो है संपूर्ण विकास होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे जो जदयू की टीम है हम लोग बिल्कुल खुश हैं बिहार में विकास। लेकिन एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम का माहौल है, क्यों? कहाँ उनके उनके सफर दो साल रहे, 2021 में भी रहा, 2022 में रहा, लेकिन 23 में 24 में नहीं होने वाला है, यानी नए साल की एक खबर जो है इस तरह की मिली। मायूस किस में है? किसी में मायूसी नहीं है। ललन सिंह जी ने है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं सारे लोग, और ललन सिंह खुद ही मुख्यमंत्री जी को जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जब बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गम यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सभी लोग खुश हैं। सभी लोग खुश हैं, देखिए किस तरीके से उत्साह है कार्यकर्ताओं और नेताओं में। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से मुख्यमंत्री को बनाया गया, ललन सिंह का इस्तीफा हो गया, जो खबरें चल रही थी उस पर तो मोहर लग गई। बहुत खुशी वाली बात है सर कि वो देते हैं, हमारे नेता ऐसे नीतीश बाबू हैं जो जड़ से हैं और इतने बड़े नेता हैं, वो देते हैं चेक करने के लिए। लेकिन अभी स्थिति जो थी उसमें जदयू थोड़ा सा कमजोर नियत पर रहे थे, लेकिन अगर ललन बाबू हमारे सर्वमान्य नेता हैं वो भी, लेकिन अगर वो दे दिए इस्तीफा के आप ही संभालिए, तो इसको नीतीश बाबू को संभाल लेना चाहिए, हमारा विकास का आगे ले जाएं, जो बिहार को इतना बढ़िया बनाए हैं, जो भारत में भी नाम है, इनके मार्गदर्शन में लोग चलते भी हैं, उसको लागू भी करते हैं। हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि बराबर विकासशील हैं, विकास पुरुष माने जाते हैं, ये बढ़िया से काम करें जिसमें इनका अजर अमर नाम भी रहे, और अगर जो इन फिर हो रही है गठबंधन उसमें अगर आओ आगे बढ़ के आते हैं 24 का चुनाव में अगर आगे बढ़ते हैं तो और बढ़िया बात है। तो देखिए लोग खुश हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री को फिर से राष्ट्रीय पद लेना पड़ा। हाँ ठीक है, जी जी ठीक है, खुशी की बात है। जी जी, तो देखिए लोग खुश हैं, बस कुछ ही घंटों में जो है ये भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लाइव इंडिया ने लगातार खबरें दिखाई इस्तीफे को लेकर, उस पर अब लाइव इंडिया की खबर पर मोहर लग गया है और जदयू कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और जो तीसरे नंबर की पार्टी जदयू जो है 2020 में विधानसभा के चुनाव में बना था, उस पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तीसरे नंबर की पार्टी थी उस पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बदले गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कमान दी गई है, और ये सौंपने के बाद जो है काफ़ी जदयू के कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। देखिए लोग पटाखे लेकर आए हैं, पटाखे जलाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारे साथ कुछ और भी हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। आइए इधर, कितनी खुशी हो रही है जब मुख्यमंत्री को ये कमान फिर से मिला है? हमें तो बहुत खुशी हो रहा है, हम पहले से भी चाहते थे, ठीक है ना, कि हमारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ठीक है ना, क्योंकि उनके नेतृत्व में अच्छा काम, हाँ हाँ अच्छा काम होगा, बहुत सिस्टम बिगड़ा हुआ था, ठीक है ना, सिस्टम सुधरेगा, मैं हमको बहुत खुशी बात, पार्टी आगे बढ़ेगी, कि जो पार्टी छोड़ के जदयू से गए हैं ना उनको पश्चाताप हो रहा होगा, ठीक है ना, उन लोग दोबारा वापस जदयू में आने के लिए उत्साहित हैं, उत्साहित हैं। हम कुछ लाए भी हैं, आप हमारे दर्शक को दिखाइए ना, क्या हल क्या लाए लेकर पटाखे जलाने के लिए? अभी तो भाई पटाखे उतारा तो आएगा ना, बहुत जाहिर करेंगे, आज हमारा बहुत खुशी है। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है ना, कि हमारे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सिस्टम को सुधार दें, ठीक है ना, गड़बड़ाया हुआ था, पहले बहुत गड़बड़ाया था, बार बार समझे ना, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरा सिस्टम ही सही हुआ, नाराज थे लोग, नाराज, हाँ लोग नाराज तो है ही थे, ललन सिंह के वजह से नाराज, देखिए ललन सिंह के वजह से, देखिए कार से अच्छी होता है, ठीक है ना,
तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कहीं ना कहीं ललन सिंह की वजह से कई लोग नाराज थे जिन्होंने पार्टी छोड़कर गए हैं, और फिर से जब मुख्यमंत्री को ये कमान दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब खुशी की लहर जो है जदयू दफ्तर में दौड़ चुकी है। लोग पटाखे जलाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, बस औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद पटाखे भी जलाएंगे लोग, मिठाइयाँ भी एक दूसरे को बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तीसरे नंबर की पार्टी चुनाव में बनी थी, अब फिर से कहीं ना कहीं पार्टी आगे बढ़ेगा। जो लोग ललन सिंह से नाराज थे वो पार्टी छोड़कर गए हैं, फिर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने को बनाया गया है तो लोग वापस हो सकते हैं। तो ऐसी जो खबरें आ रही है साफ तौर से कहीं ना कहीं इसको लेकर जदयू दफ्तर में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।